Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, this is appreciation of poetry. The comparison. Aapko maloom hona chahiye कि हमारा जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री बी अप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री का होता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। पोएट्री के 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3A जिसमें एक पोएट्री दी जाएगी, उसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं, और दूसरा होता है क्वेश्चन नंबर 3B जिसकी पोएट्री ए से मुख्तलिफ होगी, यानी अलग पोएट्री होगी, और उस पर आपको एप्रिसिएशन लिखना होगा। तो पहले एप्रिसिएशन लिखने के लिए हम पोएट्री को पढ़ते हैं और उसमें खास पॉइंट जिसे हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुने, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी आउट ऑफ 5 मार्क्स 1 मार्क्स इज फॉर राइमिंग स्कीम। और इसको समझना बहुत ही आसान है, और ये जो तरीके से मैं बता रहा हूं ये आपको और भी आसानी कर देगा, आप थोड़े से तवज्जो दें। जैसे हमने यहाँ पोएट्री की एक स्टेंजा देखा, फास्ट एज ए स्पेसशिप, स्लो एज ए स्नेल, बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। हमने स्टेंजे को देखा, पहली लाइन को देखें, फास्ट एज ए स्पेसशिप, स्पेसशिप के जो लास्ट साउंड आ रहा है शिप, शिप को आगे आप इस तरह से रफ वर्क करेंगे, ए लिख लें। स्लो एज ए स्नेल, स्नेल साउंड बदल गया, लास्ट वर्ड जो होगा उसके साउंड को देखेंगे तो शिप से स्नेल में साउंड बदल गया तो बी हो गया। बिग एज अ डायनासोर, फिर से साउंड बदल गया डायनासोर तो आवाज हो गई सी, एंड स्मॉल एज अ नेल, आप देखें सेकेंड जो मतलब स्नेल उससे मिलता जुलता साउंड है नेल, इसको हम लिखेंगे बी। इस तरह से ये राइमिंग स्कीम एक स्टेंजी की हो गई, ए बी सी बी। इस बात को भी ध्यान रखें कि ये राइमिंग स्कीम में जो अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे ए बी सी बी, ये स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजे को देखें, आपको तमाम स्टेंजास को देखना है। फायर्स एज अ टाइगर, टाइगर साउंड ए, जेंटल एज अ लेम, साउंड बदल गया बी, सोर एज अ लेमन, अगेन साउंड चेंज सी, स्वीट एज जैम, साउंड आप देखें लेम और जैम का साउंड एक जैसा तो बी, यानी अगेन राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। थर्ड स्टेंजा, ड्राई एज द डेजर्ट ए, फर्स्ट लाइन को आप हमेशा ए लिखेंगे, वेट एज द सी बी हो गया, स्क्वायर एज अ हाउस सी, राउंड एज अ पी, आप देखें फिर से सी जो बी हमने लिखा था पी सेम आवाज, तो इसके लिए भी हम बी लिखेंगे ए बी सी बी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा, कूल एज अ केव, केव फर्स्ट लाइन ए, वार्म एज टोस्ट बी, Noisy as a road drill, C. Quiet as ghost, आप देखें toast, ghost, last sound एक जैसा A, B, C, B. अब इस तरह से हमारे पास पूरा पोएट्री जो हमको दी जाएगी, पूरी पोएट्री जो क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी, और पूरी पोएट्री का हम राइमिंग स्कीम देखेंगे। Strong as an ox, A. Weak as a kitten, B. Hard as a rock, C. Soft as a mitten, किटन मिटन लास्ट साउंड एक जैसा भी। फाइव स्टेंजास की राइमिंग स्कीम ए बी सी बी हो गई। नेक्स्ट सिक्स स्टेंजा, डार्क एज ए टनल ए, लाइट एज द मून बी, नाइट टाइम मिडनाइट सी, डे टाइम नून, अगेन साउंड मून नून बी। ये सिक्स स्टेंजास की राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। सेवेंथ स्टेंजा को आप देखेंगे, इट हैज सिक्स लाइंस, जब लाइन ही 2 ज्यादा हैं तो राइमिंग स्कीम तो बदलनी ही है, राइमिंग स्कीम चेक करें।
और टॉल एज जायंट ए, शॉर्ट एज एन एल्फ बी, क्रूक्ड एज माउंटेन पाथ सी, स्ट्रेट एज शेल्फ डी। आगे देखें, द वर्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स, फुल अपोजिट्स देखते हैं आप, तो जो ए बी सी बी के साउंड आए हैं कोई भी नहीं है, इसलिए इसका साउंड बदल के डी हो गया। सो थिंक ऑफ सम योर सेल्फ, यहां आप देखें एल्फ शेल्फ सेल्फ लास्ट आवाज एक जैसी यानी बी, तो यहां पर रामिक सिंह हो गई ए बी सी बी डी बी। और आखिर में देखेंगे कि पोएट का नाम होता लिखा हुआ, तो यहां पे लिखा एनोनिमस, एनोनिमस यानी नामालूम, अननोन मालूम नहीं है, तो इसका पोएट का नाम मालूम नहीं है एनोनिमस से। अब हम देखेंगे कि जो 5 मार्क्स अप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री के होते हैं उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। ये बहुत जरूरी है, अप्रिसिएशन ऑफ पोएम की मार्किंग स्कीम के लिए क्वेश्चन नंबर 5B होता है। Students are expected to write an appreciation of the poem, given poem with the help of the points provided. जो points दिए गए हैं उसी की मुनासिबत से हमें जवाब लिखना है। The appreciation is to be written in the points format. Point format में लिखना है, और आप देखेंगे कि point format में लिखने के marking scheme भी दी गई है। Title यानी title the poem का 0.5 marks, पोएट का यानी पोएट लिखने वाले शायर पोएट का नाम लिखने का 0.5 मार्क, राइम स्कीम जो भी हमने बताया राइम स्कीम के लिए 1 मार्क, फिर फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क, और थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क्स। ये मार्किंग स्कीम है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है, और इसी के बेस पर हमें अपना एप्लीकेशन लिखना है। अब हम देखें पोएट्री, आप अपने सामने किताब में खोल कर रखें तो आपको ये सब लिखने बड़ी आसानी होगी। क्वेश्चन पेपर पे आपको पोएट्री का नाम और पोएट का नाम ऑलरेडी दिया रहेगा, तो ये टाइटल और पोएट तो बहुत ही आसान हो गया, राइमिंग स्कीम हमने बता दिया, तो इससे सब देखें जवाब कैसे लिखा जाएगा। पहले हम लिखेंगे अपना नया पेज लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3B अप्रिसिएशन ऑफ पोएम, इस तरह से लाइन खींच करके हम बॉक्स बना लेंगे ताकि जो कुछ भी हम लिखें बहुत बेहतरीन साफ सुथरा वेल सेट हो। टाइटल, टाइटल क्या है, The title of the poem is comparison. आपने मार्किंग स्कीम में देखा, आपने इतना लिखा comparison, आपके यहां मार्क्स हो गए। Next is author या poet. The author of the poem is anonymous या unknown. वो आप देखा आपने पोएट्री के आखिर में लिखा हुआ था। Third is rhyme scheme. Rhyme scheme भी हमने बताया, rhyme scheme of first 6 stanza is A, B, C, B and last stanza is of 6 lines with scheme A B C B D B। इस तरह से आपको राइमिंग स्कीम लिखना है जो कि 1 मार्क का होता है। फोर्थ पॉइंट इज फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच की मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी अलग से वीडियो आप जरूर देखें, तमाम फिगर ऑफ स्पीच वहां आपको मिल जाएगी। यहां पे आंसर देखें, एक्सेप्ट द लास्ट 2 लाइन The whole poem is a long string of similes. Similes, similarities मिलती है। Fifth is theme or central idea. The central idea of the poem is given in the last line that the word is full of opposites. It also reminds us that all sort of people and things are needed to make our world beautiful. अपोजिट्स की बहुत जरूरत होती है। इस तरह से ये 5 मार्क्स अप्रिसिएशन का क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप हमारे तमाम वीडियोस देखकर फायदा उठाते रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।